सिंह राशि वालों का 2020 का संपूर्ण फलादेश। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिंह कन्या स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से सिंह राशि वालों के 2020 के संपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। तो वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप कहीं भी ना करें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए इस वर्ष का उपाय भी बताने जा रहा हूं, तो आप वो भी देख लो। लेकिन सबसे पहले अगर आप जन्म कुंडली के लिए, हस्तरेखा के लिए या आपके लाइफ में कहीं कोई दिक्कत हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपके सामने मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी और अगर कॉल करते हो तो बात नहीं हो पाएगी। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका धन संपत्ति। सिंह राशि फाइनेंशियल 2020 के अनुसार इस वर्ष आपको धन की दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली है। धन प्राप्ति के योग आपके लिए इस वर्ष में बन रहे हैं। निवेश करने के मामलों में भी इस वर्ष आपको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने के आसार बन रहे हैं। इस वर्ष शेयर मार्केट में भी आप अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जोखिम उठाना पड़ सकता है। रिस्क वर्क भी काफी अच्छे रहेंगे, तभी जाकर आप लाभ कमा पाएंगे। वैसे भाग्य स्थान के स्वामी मंगल स्वराशि के होकर चतुर्थ घर में विराजमान है, जो कि इस वर्ष नए घर, नए वाहन या किसी बड़ी प्रॉपर्टी की खरीदारी के योग भी आपके लिए बना रहे हैं। हालांकि आपकी राशि से वर्ष की शुरुआत में लाभ स्थान में राहु विराजमान है, जो कि सितंबर माह के उत्तरार्ध तक वहां बने रहेंगे। इस समय में आपको विदेशी कंपनियां संस्थाओं से लाभ मिलेगा। सितंबर के महीने में गुरु व शनि वक्री हो रहे हैं, इसलिए आपके लिए आर्थिक तौर पर ये मजबूत होगा। राहु लाभ के घर से निकलेंगे, इसलिए जो आपकी लाभ हो रही होगी उसमें थोड़ी बहुत धीमी गति आ जाएगी, या आप उस समय लाभ करने के लिए आपको काम मेहनत बहुत अधिक करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको लाभ मिलेगा। नवंबर के लास्ट में गुरु फिर से छठे घर में आ जाएंगे और शनि के साथ वहां वो नीच भंग राजयोग बनाएंगे, इसलिए उस समय जो आपकी डील अटकी हुई थी वो पूरी हो जाएगी और अतीत में किए गए निवेश से आपको धन का लाभ होगा। कुल मिलाकर देखें अगर तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वर्ष में धन की कमी आपको बहुत कम रहेगी। अपने किसी प्रोजेक्ट में आपको धन की कमी नहीं खलेगी। जरूरत पड़ने पर आपको कर्ज भी मिल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। घर, गाड़ी या आपके बचत का बड़ा हिस्सा इस वर्ष खर्च होगा, लेकिन इसे आप खर्च नहीं बल्कि सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च कहें, जो आपके लिए बेहतर है। तो अब है आपका स्वास्थ्य। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट कर दें। कमेंट करने के बाद आप ऊपर आएं और उसके बाद आप सिंह कन्या स्पेशल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ घंटे को ऑन कर लें। और वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह फैला दो, ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। तो अब है आपका स्वास्थ्य। भविष्यफल 2020 के मुताबिक सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस साल बहुत बेहतर रहेगा। वर्ष के आरंभ में आपकी अच्छी जीवन शैली निर्वाह करेंगे। आप अच्छा भोजन लेंगे और साथ ही साथ व्यायाम भी करेंगे, जिससे आप काफी ऊर्जा महसूस करेंगे। हालांकि अप्रैल से जुलाई के बीच में आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी और उस समय अपने स्वास्थ्य का आप खास ख्याल रखें, क्योंकि इस अवधि में अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति आपके छठे घर में प्रवेश करेंगे, जो कि रोगों का भाव है। और इस दौरान आपको कोई ऐसा रोग लगेगा जो लंबे समय तक चलेगा। इस समय में आप ज्यादा तेल से बनी वस्तु न खाएं, यानी कि वसा युक्त वस्तु आप न खाएं, ये बेहतर रहेगा। नवंबर के बीच में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और पुराने बीमारियों से आपको राहत मिलेगा। हालांकि नवंबर के बाद से वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत फिर नहीं आएगा।
इस वर्ष में आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर खुद को बहुत पक्का करना होगा, क्योंकि इस साल आपके स्वास्थ्य की परीक्षा होगी। अत्यधिक तनाव से इस साल आप बचने का प्रयास करें। इस साल में आपके ऊपर काम का बोझ रहेगा, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो अब है आपका प्रेम संबंध, तो आइए वो भी पूरे विस्तार से देख लेते हैं। मित्रों, अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में मधुरता के साथ साथ कटुता भी मिलेगा इस वर्ष में आपको। एक दूसरे पर अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं तो दिक्कत आएगा, इसलिए आप विश्वास बनाए रखें। सत्य के अभाव में प्रेम में ब्रेक भी संभव है और आप में आलस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यदि पहले से ही आपके प्रणय संबंधों में कोई मतभेद चल रहा हो तो उसका समाधान आप निकाल लें, अन्यथा फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष में आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका प्रेम इस वर्ष विवाह का रूप ले सकता है, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अब है आपका इस वर्ष का उपाय। दोस्तों, इस वर्ष में आप स्नान करने के बाद सुबह सुबह सूर्यदेव को जल दें, ये बेहतर रहेगा। और शनिवार के दिन आप काले कंबल का दान करें, इससे आपको दिक्कत फिर कहीं भी नहीं आएगा। तो मित्रों, यही था सिंह राशि वालों का 2020 का संपूर्ण फलादेश। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय मैया पार्वती, जय सिया राम।